घुटनों की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए सुश्रुत हर्बो फार्मो ने अपनी आयुर्वेदिक औषधियों का जयपुर में शुभारंभ किया। लगभग 4 दशक से आयुर्वेद के सिद्धांत पर कार्यरत औषधियों के निर्माणकर्ता सुश्रुत हर्बो फार्मा ने जयपुर में पहली बार इन औषधियों को लाया। फर्म के अधिकारियों ने बताया कि आज देश में करीब 8 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी प्रकार से मधुमेह से पीड़ित हैं। आने वाले समय में भारतवर्ष मधुमेह का रोगी ना बन जाए, इसके लिए फर्म ने लगातार आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया। देश के कोने कोने में प्रचार प्रसार के बाद राजधानी जयपुर में पहली बार इन औषधियों को लाया गया। जोड़ों का दर्द, पेट में कब्ज, शरीर का टूटना जैसी बीमारियों का इलाज इन औषधियों के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी दवाइयों के जैसे इस आयुर्वेदिक औषधियों से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में स्थित है जो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी जिले में स्थित है जो है, और ये 40 वर्षों को जो है इस दवाओं का निर्माण करे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के जो है, जो कि एक 4 दवाएं आपके राजस्थान स्टेट में लॉन्च की जा रही है, डायबिटीज जो कि शुगर के लिए दवा बनाई गई है जो है, शुगर रोगियों के लिए जो है, और दूसरा प्रोडक्ट है पैरा आयल 40 आयल जो कि गठिया रोग के लिए जो है, प्लस आपका जो है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन सारी चीज़ों के लिए बनाया गया है जो है। इसमें वास सामक औषधियों को मिला के इसको बनाया गया है जो है। और तीसरा प्रोडक्ट लैक्सोबिन पाउडर है जो राजस्थान में आज ही लॉन्च हो रहा है, और इसके पहले 7 राज्यों में हमारा चल रहा है, जैसे महाराष्ट्र हो गया और UP हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये सब जगह हमारा चल रहा है, उड़ीसा हो गया। क्या एक्सपेक्ट करते हैं राजस्थान से? और मेट्रो न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।